आपने कभी टर्म लाइट ईयर्स सुनी है? सुनी होगी आपने, सुना होगा कि ये स्टार इतने लाइट ईयर्स अवे है, वो स्टार इतने लाइट ईयर्स अवे, राइट? एंड सम स्टार्स आर इवन बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे, है ना? तो गेट दिस, अगर हम अर्थ से रात को एक स्टार देखते हैं जो कि 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, तो देयर इज अ गुड चांस कि जब तक उसकी लाइट हम तक पहुंच रही है, इट माइट नॉट इवन एग्जिस्ट। यानी कि हम एक ऐसी चीज देख रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो कैसे हो आप लोग? ठीक हो? मैं एकदम फिट, बढ़िया, मजे में। अभी भी एक व्लॉग अपलोड करके आया हूँ जो कि आप शायद देख चुके हो, अगर नहीं देखा तो यहाँ पे देख लो। बड़ी मेहनत लगी उस व्लॉग के एडिट में यार, तो जरूर देखो, पसंद आएगा सच्ची। आज तीसरा रोज़ है, सुबह के सक 9 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ लॉरेंस गार्डन। लॉरेंस गार्डन में क्यों जा रहा हूँ? मैं वहाँ पे ड्राइंग क्लासेस ले रहा हूँ। मैं वहाँ पे ड्राइंग क्लासेस क्यों ले रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। मैं आ चुका हूँ लॉरेंस गार्डन में और इस वक्त मैं बारादरी ढूँढ रहा हूँ, एक जगह का नाम है प्रॉबेबली, वहाँ पर आर्ट क्लास हो रही है, तो आज बारादरी ढूँढते हैं। बारादरी, बारादरी यार कितना प्यारा पार्क है यार, बिलीव इट और नॉट, पर मैं आज लॉरेंस गार्डन में ज़िंदगी में पहली बार आ रहा हूँ। कितनी शर्म की बात है, हाउ कैन आई कॉल माई सेल्फ अ लाहौरी यार। उफ, ये दरख्त प्रॉबेबली कोई 200-300 साल पुराना होगा। दोपहर के 12 बज रहे हैं, सर के ऊपर सूरज है, रोज़ा ऐसे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है अभी इधर ही गिर जाऊंगा मैं। खैर, आर्ट क्लास से हुआ ही हूँ मैं, आज कुछ किया नहीं, आज बस लोगों को ऑब्जर्व किया। कल से इंशाल्लाह रेगुलर आऊँगा, आज पहला दिन था। पर मैं इतना कंफ्यूजन में हूँ ना इस वक्त, समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। दो ऑप्शन है मेरे पास, एक कि मैं कैमरा मार्केट जाऊँ, दूसरा कि मैं घर जाऊँ, तो क्या किया जाए? चलो मैं डिसाइड करता हूँ, आपको सरप्राइज कर। आप लोग कभी निस्बत रोड आए हो? नहीं है? चलो आज आ गए हो यार, इतनी इक्विपमेंट देख के मुंह में पानी आ गया भाई के। आज मैं जो यहाँ पर आया हूँ ना, एक्चुअली मैं सिर्फ एक एस्टिमेट लेने नहीं, मैं एक ट्राई मारने आया था। किस चीज़ की ट्राई मारने आया था ये मैं आपको अपनी बैठ के बताता हूँ। दो मिनट अगर और मैं इस गर्मी में खड़ा रहा ना, मैंने बेहोश हो जाना है। ट्राई मैं ये मारने आया था कि निस्बत रोड पे कुछ अर्सा पहले यूज में मैंने एक कैमरा देखा था जो कि मेरे दिल को जाके लगा था, मुझे पसंद आ गया था, लेकिन फिर मैं उस कैमरे के बारे में भूल गया। दो महीने बाद मुझे दोबारा याद आया कि यार वो कैमरा बड़ा अच्छा था, वो ले लेना चाहिए, अपग्रेड कर लेना चाहिए। तो मैं उसी होप में गया कि शायद वो कैमरा अभी भी उधर हो, लेकिन जितना कमाल वो कैमरा था वो तो उसी दिन बिक गया था। तो खैर, चक्कर तो मेरा ज़रा हो गया, अब जल्दी से घर भागते हैं। सर पे पानी गिरा के कूलर के आगे जब मैं बैठा हूँ यार, ऐसा लगता है जन्नत की हवाएं आ रही है, मजाक के अलावा उफ। बचपन में आपको याद है एक एड हम देखा करते थे, क्या नाम था कंपनी का, सनसिप। उस एड में ना सूरज दिखाते थे, सूरज स्ट्रॉ से ना लोगों के दिमाग पी रहा होता था, मैं हंसता था बचपन में देख के। आज मुझे समझ आया कि वो सच्चाई है, खाली सर पे आपके सूरज पड़ता है ना, आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। बचपन में पाइप खोल के नहाया करते थे ना, मैंने वही कर लिया, जनरल मजा आ रहा है यार। यार, I wish you had not seen me like that. बाद में मिलते हैं। मैं सोच रहा था मैं जाके घर सो जाऊं, पर फिर हमजा, कदीर और अनस आ गए, कह रहे थे हमने SSD लेने हफीज सेंटर जाना है, तो अब मैं उनके साथ हफीज सेंटर आ गया। हफीज सेंटर वालों ने हर कॉरिडोर में ACs लगाए हुए हैं, मतलब ये लोग कुछ ज़्यादा ही अमीर हो गए। बिलीव इट और नॉट, आज हमें ओरिजिनल बीट्स मिल गए हैं हफीज सेंटर से, NF के। अब एक ही उम्मीद है
रोज़ा कम लगवाने की गेमिंग। अब गेमिंग करने के बाद मैं इफ्तारी करूँगा, व्लॉग नहीं करूँगा। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट, बी श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।